किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर रही है, क्या होंगे? देखिए, पिछले 5 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में और 4.5 वर्षों से फडणवीस जी की सरकार है देश में। मुंबई में बड़े पैमाने पर जो नौजवान है उनके अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, ये सबसे प्रमुख मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा महिलाओं की जो असुरक्षा बढ़ी है वो होगा, और तीसरा जो महंगाई की वजह से लोगों के ऊपर आफत आई है वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा, चाहे गैस का सिलेंडर हो या डीजल पेट्रोल का भाव हो, खाने पीने की चीजों का भाव हो, या फिर अंततः जो बाहर गांव जाने वाली और लोकल ट्रेनों के टिकटों का मामला है। आपको मालूम है मुंबई में या पूरे देश में बीजेपी के राज में पिछले 5 वर्षों में प्लेटफॉर्म टिकट 7 गुना महंगा हुआ है। हमारे यहाँ मुंबई में जो माइग्रेंट सिटी माना जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे बाहर से आके लोग रहते हैं, हर दिन लोग अपने गांव जाते हैं, जब गांव जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए अक्सर 200-500 लोग जाते थे पहले, अब ये प्लेटफॉर्म टिकट इतना महंगा हो गया कि लोग अब प्लेटफॉर्म पे छोड़ने भी नहीं जाते हैं। तो एक महंगाई बड़ा मुद्दा, ब्लैक मनी बड़ा इश्यू है, तो हम ये ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना है। हाँ, ये ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तान लाएंगे और ये लाएंगे, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन हिंदुस्तान के गोर गरीब लोगों का जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारे लिए मुख्य होगा। बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। मैंने जैसा कि बताया, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सभी लोग एक साथ हों और उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो दोनों मिलकर इतनी बड़ी ताकत है कि शिवसेना बीजेपी नहीं टिक पाएगी। ठीक है, शुक्रिया।